हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो. दिस इज सोनिया एंड यू आर वॉचिंग सोविक्स व्लॉग. तो आज की जो वीडियो है, दिस इज ऑल अबाउट द टैक्स सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया. वैसे तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो टैक्स सिस्टम है ना, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कंपैरेटिवली. जैसा कि हम लोग आइलैंड में थे, तो मैंने वहाँ के टैक्स सिस्टम के ऊपर भी वीडियो बनाई है. तो वहाँ का जो टैक्स सिस्टम है, वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था एक्चुअली. पर हाँ, ऑस्ट्रेलिया का जो टैक्स सिस्टम है, यानी कि यहाँ की इनकम पर, आपकी जो इनकम होती है उस इनकम पर जो आप टैक्स पे करते हैं ना, तो उसको समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है. तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा सकूँ, मैं आपको बता सकूँ कि आपकी जो इनकम होती है उस इनकम पर आपको ऑस्ट्रेलिया में कितना टैक्स भरना पड़ता है और किस तरह से भरना पड़ता है. ठीक है, देखिए, एक तो ये होता है ना कि आपकी जो सैलरी है उसी में से सब कट कटा कर आपको मिल गया, या फिर ये कि आपको जो है, जैसे हम लोग भरते हैं ना टैक्स, तो ईयर एंड में आपको कोई टैक्स फाइल करना है. तो इस तरह की बातें हम आज की वीडियो में करेंगे. और यहाँ पर जो इनकम के स्लैब्स हैं, ठीक है, तो कितनी इनकम पर कितना टैक्स बनता है, वो भी सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे. सो गाइज, सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, देखिए, कि कोई रास्ता नहीं है कि आपको ये लगे कि हम टैक्स ना भरें और बच जाएं टैक्स भरने से. तो ऐसा कोई वे आउट यहाँ पर नहीं है. आपकी इनकम, आप जिस भी तरह से अर्न कर रहे हैं, आपको टैक्स भरना पड़ेगा. ठीक है, नाउ यहाँ पर बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया में मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जॉब कर सकते हैं. तो यस, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं ना, वो भी एक से ज़्यादा जॉब करते हैं. और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर नहीं भी हैं, अगर आप किसी और वीज़ा पर हैं, आप पीआर पर हैं, या आप सिटीज़न हैं, या जो भी है, तो आप यस, डेफिनेटली आप एक से ज़्यादा जॉब यहाँ पर कर सकते हैं. पर एक्चुअली क्या होता है ना, कि जितना ज़्यादा आप यहाँ अर्न करेंगे ना, आपको उतना ही ज़्यादा जो है ना टैक्स देना पड़ेगा. तो यानी कि यह कि देखिए, अगर आपकी अर्निंग कम है तो टैक्स का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम होगा, और जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है ना, तो टैक्स अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अर्न करना भी यहाँ पर फायदेमंद नहीं होता है एक्चुअली. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ऑस्ट्रेलिया में मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जब आप यहाँ जॉब करते हैं ना, तो आप यहाँ पर दो तरह से काम करते हैं. एक होता है कि आप यहाँ पर TFN पे काम करें, और सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पर ABN पे काम करें. तो ये जो दोनों हैं, TFN और ABN, दोनों ही वैसे ATO से लिंक होते हैं, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस है, दोनों ही उससे लिंक होते हैं. तो TFN और ABN में डिफरेंस क्या होता है, देखिए, जो TFN होता है वो होता है टैक्स फाइल नंबर. ये एक 9 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, और ये नंबर लाइफ लॉन्ग एक ही बार जो है, एक पर्टिकुलर पर्सन का एक ही बार TFN ऑर्डर होता है. तो दिस इज़ ए वेरी यूनिक 9 डिजिट नंबर. और TFN पे देखिए, आप कब काम करते हैं, जब आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं, ठीक है, और आपको सैलरी स्लिप मिलती है प्रॉपर. तो इस तरह से जब आप वर्किंग करते हैं, तो वो TFN के अंदर आती है. और TFN में जब आपको सैलरी मिलती है ना, तो उस केस में क्या होता है, देखिए, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स भरने की भी आपको कोई टेंशन नहीं है. क्योंकि TFN में जब आप काम करते हैं, तो जो आपको सैलरी मिलती है, जो आपके अकाउंट में पैसा आता है, वो अकाउंट में पैसा सब कुछ कट कटा कर आता है. ठीक है, तो TFN में आपका टैक्स पहले ही कट जाता है, और यहाँ पर एक सुपर एनुएशन भी आपका कटता है. तो सुपर बेसिकली क्या होता है ना, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो कि आपका इकट्ठा होता रहता है, और जब आप रिटायर हो जाते हैं ना, तब वो अमाउंट आपको यहाँ पर मिलता है. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, टैक्स और आपका सुपर, ये दोनों कट कर आता है TFN के केस में. तो आपको TFN पे अगर आप काम करते हैं, तो ईयर एंड में आपको कुछ भी टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है. नहीं, टैक्स आपको भरना पड़ेगा, जो फॉर्म है वो सब आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आपको यू नो अपना कुछ कैलकुलेशन में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. फिर आता है आपका ABN. तो ABN क्या है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर. तो देखिए, अगर आप एज अ सोल ट्रेडर काम करते हैं, ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल काम करते हैं, जैसे कि ये ना बहुत सारे लोग डिलीवरी का काम करते हैं, उबर ईट्स का काम करते हैं, डोरडैश का काम करते हैं, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर बिजनेस अगर आप रन करते हैं, यू नो, स्मॉल स्केल वाला हो या लार्ज स्केल वाला हो, कोई सा भी हो, तो आप काम करते हैं ABN पर. और ABN के केस में क्या होता है ना, कि आपको जो सैलरी मिलती है वो एज इट इज़ मिलती है. ओके, आपको ईयर एंड में जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, उस टाइम पर आपको अपना सारी अपनी इनकम, आपने कितने आवर्स काम किया है, वो सब आपको कैलकुलेट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको टैक्स भरना पड़ता है.
और एक्चुअली एबीएन के केस में आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि देखिए, अगर आपको नॉलेज है अच्छे से, आप सारी चीज़ें ठीक से कैलकुलेट कर सकते हैं, देन गो फॉर इट और डेफिनेटली आप वो भर दीजिए. अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी अकाउंटेंट, किसी भी आप सीए से हेल्प ले सकते हैं. वो लोग ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं, 100 या 150 डॉलर के आसपास ही वो आपका टैक्स फाइल करने का चार्ज करते हैं. बट डेफिनेटली अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप फाइल कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो होता है 30th of June को, और उसके बाद नया ईयर शुरू होता है, तो आपको जो अपनी कैलकुलेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग करनी होती है और टैक्स फाइल करना होता है. तो अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो टैक्स का स्लैब है वो उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, कितने अमाउंट तक आपका कितना टैक्स लगेगा. तो देखिए, पहला जो इनका स्लैब है वो है $0 से लेकर के 18,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर. यानी कि अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 18,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक है तो उस केस में आपका कोई एसेट टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है. लेकिन जो सेकेंड स्लैब इनका आता है वो आता है 18,201 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर के 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर. यानी अगर इसके बीच में आप अर्न करते हैं तो उस केस में आपका टैक्स लगेगा. अब बहुत सी जगह आपने देखा होगा लिखा होता है 19% टैक्स जो है लगेगा, लेकिन इट्स नॉट फ्लैट 19%. तो देखिए, उसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है कि मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 45,000 है, ठीक है. तो आप सेकंड वाले स्लैब में आते हैं, तो उस स्लैब में क्या है कि 18,200 तक तो आपको कोई पैसा नहीं कटेगा, कुछ भी आपका टैक्सेशन अमाउंट नहीं आएगा. लेकिन उसके ऊपर का जो अमाउंट है, यानी कि अगर 45,000 में से आप 18,200 को माइनस करेंगे तो जो फिगर आता है दैट इज 26,800. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टैक्स कटेगा वो टैक्स कटेगा 26,800 पर. और वो कैसे कटेगा? वो ऐसे कटेगा कि पर $1 आपको 19 सेंट पे करना होगा. यानी अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो आपका अमाउंट बचा 26,800, उसका अगर आप निकालेंगे तो जो आपका अमाउंट आता है दैट इज 5,092 ऑस्ट्रेलियन डॉलर. तो अगर आपकी इनकम 45,000 है, अगर आप सेकंड स्लैब में हैं, तो उस केस में जो आपका टैक्सेशन अमाउंट बना वो बना 5,092, ठीक है. फ्लैट 19% नहीं है. अगर आप फ्लैट 19% निकालेंगे तो अमाउंट कुछ और आएगा. फिर देखिए, जो इनका थर्ड स्लैब है वो है कि अगर आपकी एनुअल इनकम 45,000 से ऊपर है और 120K से नीचे है तो आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं, और उस कैटेगरी में आपका जो टैक्स कटता है दैट इज 32.5%. बट अगेन द कैलकुलेशन इज सेम. अप टू 45,000 जो आपका टैक्स था वो बना था 5,092 ऑस्ट्रेलियन डॉलर. तो 5,092 ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्लस जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचा, उस अमाउंट में आपको $1 में से 32.5 जो है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स. एंड देन जो इनका फोर्थ स्लैब है वो आता है 120K से लेकर के 180K तक. तो वहां पर भी आपका 37% टैक्स है, लेकिन द कैलकुलेशन अगेन सेम. अप टू 120K आपका जो टैक्स बना था वो टैक्स था 29,467, प्लस जो आपका रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उस अमाउंट पर आपको पर $1 देना पड़ेगा 37 सेंट. तो इस तरह से करेंगे आप इस स्लैब की कैलकुलेशन. और अगर आपकी जो इनकम है वो 180K से ज्यादा है तो फिर आपका जो टैक्स है वो होता है 45%. तो आई होप आप ये जो 19%, 32.5% और 37%, इनकी कैलकुलेशन डायरेक्टली नहीं होती है. आप डायरेक्टली नहीं कर सकते कि 45 इंटू आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया 19 करके, तो वो नहीं है कैलकुलेशन. एक पर्टिकुलर लिमिट तक जीरो है और उसके बाद जो अमाउंट बचा उस पर आपको अपना टैक्सेशन जो अमाउंट है वो निकालना पड़ेगा. तो आई होप आपको ये टैक्स की कैलकुलेशन समझ आ गई होगी. इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस की जो वेबसाइट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप चाहें तो उस वेबसाइट को अच्छे से डिटेल में और स्टडी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी. सो गाइज, आपने देखा टैक्स कैलकुलेशन से कि आप जितना ज्यादा अर्न करेंगे उतना ही ज्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है. तो डेफिनेटली हम सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छी सेविंग करें, पर हाँ, यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा अर्न करके भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है. अगर आप एक नॉर्मल रेंज में कमाएंगे तो इट्स बेटर, क्योंकि आपको ज़्यादा टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. और एक्चुअली जो लोग एबीएन पे काम करते हैं ना, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग क्या है ना, बहुत सारे आवर्स काम करते रहते हैं. स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपनी कॉलेज की फ़ी पे करने के लिए, यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करने के लिए,
अपना रहने का खर्चा निकालने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्हें लगता है कि बस काम करते रहो करते रहो करते रहो। तो एबीएन पर यह है कि भाई आपको एवरी वीक आपका पैसा तो मिल जाता है, उसमें कुछ कटता भी नहीं है, बट क्या होता है ना जब ईयर एंड में आप जब टैक्स भरने लगते हैं ना तब आपको पता चलता है कि आपका कितना सारा जो अमाउंट है वो टैक्स में जाने वाला है, ठीक है। तो उस वक्त वो जो चीज़ है ना वो काफ़ी पेन करती है क्योंकि आपको बहुत सारा अमाउंट जो है ना टैक्स में देना पड़ता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली अपकमिंग वीडियो में मैं आपको टैक्स सिस्टम के बारे में और थोड़ी चीज़ें बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी एंड आपको बताऊंगी कि आपको अपनी सैलरी स्लिप अगर आपको समझ नहीं आती है तो उसको कैसे रीड करना है। तो आने वाली वीडियोज़ में हम थोड़ा सा और टैक्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।